नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक एट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं रिले क्या होती है, क्या है, इसका काम होता है, क्या इसकी वर्किंग रहती है, किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, इसके कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, कैसे ये ऑपरेट होती है और कहाँ पर यूज होती है, ये सभी बेसिक पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिले, हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन देखेगा उसको प्रेस कर दें, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब भी हम इसी प्रकार की नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो जिसमें हम समझने जा रहे हैं रिले के बारे में बेसिक फंक्शंस और वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों रिले क्या है, रिले एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब इसका एक प्रकार का इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच भी है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑपरेट होता है। अब वह सप्लाई आपकी डीसी हो सकती है, एसी हो सकती है। कहने का मतलब रिले वो है वो आपकी डीसी एसी दोनों सप्लाईज में उपलब्ध रहती है और यह काम कैसे करती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम इसके कॉन्टैक्ट्स के। तो रिले का बात जहां पर की जाती है, रिले सब जहां पर आता है वहां पर आपको सुनने को मिलेगा एनओ एनसी कॉमन, चाहे वो आपकी एसी रिले है या फिर डीसी सप्लाई से ऑपरेट होने वाली रिले हो। तो एनओ एनसी कॉमन क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। एनओ एनसी और कॉमन जो है एक प्रकार के आपके कॉन्टैक्ट होते हैं। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और कॉमन का मतलब होता है जो कि एनओ एंड एनसी दोनों में कॉमन हो। क्लियर, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम समझने से पहले मैंने आपको दो बेसिक डायग्राम बनाए इनके माध्यम से हम समझेंगे, साथ में कुछ इमेजेस का रेफरेंस भी हमको लेना पड़ेगा बेसिक और डिटेल में समझने के लिए। तो मैं इमेज आपको बीच बीच में इस वीडियो में आपको डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे, तो वो आप समझेंगे। फिलहाल हम इसका बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं। तो रिले सबसे पहले हम बात करें कि ये जो हमको जो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि कॉन्टैक्ट चेंज होता है, मतलब कि इसके मैं सप्लाई देने पर इसके कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि स्विचिंग होती है एक प्रकार की। ठीक है, रिले के माध्यम से। अब ये रिले जो रहती है इसमें क्या रहता है, पहले हम समझ लेते हैं रिले का फंक्शन कैसे होता है, इसके बाद हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दो लैंप दिखाए हैं एनओ एनसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से, एक 6 वोल्ट बैटरी से हमको कॉन्टैक्ट किया है। तो कनेक्शन देख लें कैसे कनेक्शन किया है, दोनों लैंप में हमने इसका किया है कि ये हमारा मान लीजिए एनओ एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनओ कॉन्टैक्ट है, ये कॉमन हो गया। तो दोनों को हमने एक टर्मिनल में कनेक्ट दिया, प्लस ये बैटरी हमने लगाई 6 वोल्ट की, इसका प्लस माइनस है, प्लस हमने डायरेक्ट दे दिया, ये प्लस हमने डायरेक्ट दे दिया। मैं प्लस नहीं देना चाहिए, माइनस डायरेक्ट देना चाहिए, प्लस आपको ऑपरेट कराना चाहिए लेकिन हमने प्लस दे दिया। इसके बाद एक हमने जो नेगेटिव है वो यहाँ पे दे दिया कॉमन पे। तो कॉमन का मतलब क्या था, कॉमन जो आपका कॉन्टैक्ट है वो एनओ एनसी दोनों से आपका कॉन्टैक्ट होता है। तो एनसी का मतलब है कि रिले में जब आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दी रही है, मतलब कि जब आपको सप्लाई नहीं दी है उस केसेस में आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो हमेशा एनसी रहेंगे। एनसी मतलब कि नॉर्मली क्लोज रहेंगे। अब नॉर्मली क्लोज रहेंगे तो आप देखें यहाँ पर सर्किट क्या बन रहा है, बैटरी से प्लस आपका यहाँ पे आ गया, इसके बाद माइनस यहाँ से निकल के इस कॉमन के माध्यम से एनसी माध्यम से आपका ये वाला लैंप आपका क्या होगा, जल जाएगा जब आपका रिले ऑपरेट नहीं है, यानी कि रिले में हमने सप्लाई नहीं दी है और नॉर्मली यह क्लोज कॉन्टैक्ट से हमारा लैंप ऑपरेट हो जाएगा। अब इसमें क्या रहती है, रिले में एक प्रकार कॉइल रहती है। कॉइल आपकी एसी डीसी हो सकती है, एसी सप्लाई 220 से ऑपरेट होने वाली है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिले की कैपेसिटी या आपको किस जगह पे इसको यूज करना है, वो हो गया। फिलहाल अब रिले में आगे बढ़ाएंगे इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम जो कॉमन आपका ये वाला कॉमन टर्मिनल है, कॉन्टैक्ट है, यदि इसको हम यहाँ से हटा के नीचे इससे टच कर दें, देखें आप यदि इसको हम इससे टच कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका प्लस इस लैंप पे तो आ ही रहा है, प्लस बैटरी का नेगेटिव यहाँ से ना आते हुए इधर जाते हुए इधर जाएगा और ये लैंप टू आपका जल जाएगा और लैंप वन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई लैंप वन से लैंप टू में आएगी, मतलब स्विचिंग हुई प्रकार की। तो ये कब हुआ, जब इस आर्मेचर है या इसको हम प्लंजर बोले या कॉन्टैक्ट जो उसको बोले इसको हम हाथ से कर दें या किसी कारण से या किसी भी प्रकार से इसको एनसी से हटा के एनओ जो टर्मिनल है कॉन्टैक्ट है उससे टच कर दें तो हमारी सप्लाई हो जाएगी। तो इसको एनसी से एनओ पे करने के लिए, एनसी से एनओ पे लाने के लिए कॉमन टर्मिनल को यहाँ पे हम यूज करते हैं एक प्रकार की कॉइल। कॉइल क्या रहती है, कुछ नहीं रहता, ये इंडक्टर वायर रहता है, उसका टर्म्स रहते हैं। अब कॉइल में यदि हम सप्लाई देंगे तो कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हम सभी जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कारण क्या होगा, आर्मेचर
और प्लंजर वाला अरेंजमेंट रहेगा, तो वो इस कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, जो कॉमन कॉन्टैक्ट इसको मूव करेगा, इसको खींच लेगा और उससे टच कर देगा। और जैसे हम सप्लाई छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं कॉइल से, तो वापस ये अपनी पोजिशन में जाता है, मतलब कि एनसी रहती है। तो कहने का मतलब कि रिले का काम क्या है, कुछ नहीं, पूरा स्विचिंग है, एनसी से एनओ पे जाना, और हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनके कॉन्टैक्ट यूज कर लेते हैं। जब हमको एनसी की जरूरत है वहां पर एनसी यूज कर लेते हैं, एनओ जरूरत है वहां एनओ यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सप्लाई आए तब हमको इधर आपको आउटपुट मिले, यानी कि कॉइल में जब हम सप्लाई दें तब हमको आउटपुट मिले, तो वहां पे हम एनओ कॉन्टैक्ट यूज कर लेंगे। एनओ कॉन्टैक्ट मतलब कि नॉर्मली ओपन रहेगा, सप्लाई देंगे तो एनओ बन जाएगा एनसी, हमको आउटपुट मिल जाएगा। और जहां पे आपको एनसी यूज करना, हम एनसी दे रहे हैं, सप्लाई देंगे तो एनसी आपका एनओ बन जाएगा, तो जो सप्लाई जा रही है वो डिस्कनेक्ट हो, मतलब लैंप बन आपका जलना आपका बंद हो जाएगा। तो ये आप बेसिक समझे, इसी को हम यहाँ पे जो आपको रिले चाहिए थी, कॉइल चाहिए थी इसको खींचने के लिए आपका कॉमन टर्मिनल को, उसके मॉडिफाई कर हमने यहाँ बनाया। आप देखें यहाँ पे मैंने आपकी कॉइल लगा दी, वही एनसी कॉन्टैक्ट, एनओ कॉन्टैक्ट, कॉमन कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग एंड आपकी ये कॉइल हो गई। अब ये कॉइल जो है रिले की कॉइल है, ये 6 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो सकती है, 12 वोल्ट डीसी वाली हो सकती है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई वाली हो सकती है, या आपकी 220 वोल्टेज एसी सप्लाई वाली कॉइल हो सकती है। ठीक है, यदि हैवी रिले यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको 220 एसी सप्लाई से ऑपरेट करना होता है। जनरली 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट इंडस्ट्रियल में यूज होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको कहां देखने को मिल सकती है, ये रिले आपके घरों में जहां पे इन्वर्टर लगा रहता है, उस इन्वर्टर में आपकी 6 वोल्ट 12 वोल्ट ये आपकी रिले देखने को मिल सकती है, आपने देखा हो। या फिर आपके घर में डेस्कटॉप है, आप यूपीएस सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां भी आपको रिले देखने को मिल सकती है। इसका अच्छा उदाहरण हम आपको बता दें, और आपने देखा होगा कि आप घरों में, जिन लोगों में घरों में इन्वर्टर का यूज किया जाता है, जब आप घरों में एसी सप्लाई आती रहती है तो आपको क्या होता है, आपकी मेन सप्लाई से आपके पूरे घर की सप्लाई आपकी ऑन रहती है। मेरे घर में इन्वर्टर है, इसमें अभी जो सप्लाई आ रही है वो इन्वर्टर के माध्यम से ले रहे हैं। जैसे ही पावर आपका कट होता है, पावर सप्लाई जाती है, तो आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन पावर आपका जो बैकअप है वो बैटरी से सप्लाई आना आपके घर में स्टार्ट हो जाती है। तो एसी सप्लाई से बैटरी से सप्लाई कैसे आती है, उसका कारण यही है कि आपकी रिले लगी रहती है। रिले से आपकी जो है, यदि एसी सप्लाई की रिले ऑपरेट होती रहती है, तो मतलब आपका जो है एनओ कॉन्टैक्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं, एनओ एनसी कोई कॉन्टैक्ट, जैसे सप्लाई जाती है तो आपका कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है, तो एसी की जगह पे वह कॉन्टैक्ट आपका डीसी से कनेक्शन हो जाता है, और इन्वर्टर आपका जो रहता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमको देता रहता है। तो कहने का मतलब इन्वर्टर में या यूपीएस सिस्टम में ये आपका रिले जनरली यूज करती है, इंडस्ट्री में तो जनरली होती है, और छोटी छोटी रिले आती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी एसी आपकी रिले आपकी यूज होती है। आप देख सकते हैं, मैं कुछ इमेज के माध्यम दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जो आप इमेज देख सकते हैं, इसमें इमेज में आपको 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट से कॉइल को ऑपरेट करने वाली रिले आपको दिख जाएगी। और आपके जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट और ये कॉइल के सप्लाई, इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता है। मान लीजिए आपने 6 वोल्ट बोल्ट या 12 वोल्ट बोल्ट की कॉइल आपने यूज कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट से मतलब नहीं आपको 6 वोल्ट और 12 वोल्ट यूज करेंगे, यहाँ पे 220 आप सप्लाई यूज कर सकते हैं। कॉइल का और कॉन्टैक्ट का कोई दूसरे से संबंध नहीं रहता है। तो इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें कॉमन टर्मिनल मान लीजिए हमने यहाँ पे एसी की तरह यूज कर रहे हैं, और 220 वोल्ट आपकी एसी सप्लाई आपको ऑपरेट कराना है, कॉन्टैक्ट कराना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं न्यूट्रल टर्मिनल, यहाँ दे देते हैं कॉमन पे, और हम क्या कर देते हैं, या फिर यूं करें कि हम यहाँ पे फेस दे दिया, हमने ये फेस दे दिया यहाँ पे, और फेस हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं, न्यूट्रल हम डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको कोई लैंप जलाना है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, फेस हम यहाँ से लेंगे एनओ एनसी से करके। तो कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसमें परमानेंट कॉमनली आपको न्यूट्रल दे रखा है, और अभी क्या हो रहा है एनसी कॉन्टैक्ट ऑपरेट है, तो आपका ये वाला लैंप चल रहा है, वही सेम सिचुएशन आपने बनी, वही सिचुएशन बन सकती है। इसके बाद जब हम इसको कॉन्टैक्ट को चेंज करेंगे, एनसी को एनओ बनाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 6 वोल्ट सप्लाई इस कॉइल में दे देंगे, 6 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है तो वह सप्लाई दे देंगे, या फिर 220 वोल्ट एसी से भी यह ऑपरेट होती है, वो डिपेंड करता है कॉइल की कंस्ट्रक्शन पर जब बनाई जाती है उसके अनुसार या रेटिंग के अनुसार। तो जैसे इसको सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कारण इसमें देखें आप यहाँ पे एक आर्मेचर अरेंजमेंट रहता है या प्लंजर उसको बोलेंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कारण ये वाला पोर्शन ये इसको मैग्नेटिक को क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड इसको खींचेगा, इसको ये खींचेगा, तो क्या होगा आपका यह जो कॉमन टर्मिनल है कॉन्टैक्ट वो इस वाले एनओ वाले कॉन्टैक्ट से यहाँ के क्या हो जाता है, टच हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है एनसी वाला। तो एनसी ओपन होगा तो एनओ आपका कॉन्टैक्ट तो आपको यहाँ सप्लाई इस तरीके से मिल जाती है। तो ये सिंपल काम रहता है रिले का। अब इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है कि भाई कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं है, कहने का मतलब कि इसमें मेन आपको याद रखना है कि रिले में जनरली 5 आपके टर्मिनल तो रहेंगे। 5 टर्मिनल कौन कौन से रहेंगे आपके, कि आपका एक
एक नंबर दो, इसको दो नंबर बोल दें, एक दो तीन, और इसके बाद इसको चार पांच बोल सकते हैं, यहां से चार कर लो, ये पांच कर लो। एक नंबर आपका क्या रहेगा, इसको आप जो एक नंबर और दो नंबर है वो आपकी कॉइल की सप्लाई रहेगी। तो ये कॉइल को सप्लाई हम देंगे, कॉइल आपको एसी एंड डीसी 200, एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट होगी। और ये तीन नंबर है ये आपका कॉमन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हम मेन सप्लाई कॉमन देंगे। इसके बाद ये आपको दोनों आउट रहेंगे आउटपुट। अब इसमें से आपका एक जो है एनओ हो सकता है, एक एनसी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको एनओ एनसी कॉन्टैक्ट हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा इसका अरेंजमेंट। और जनरली जो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की जो रिले रहती है उसको हम बोलते हैं एसपीडीटी रिले, एसपीडीटी रिले, ठीक है। तो एसपीडीटी फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल थ्रो, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जनरली जो है कि आपका जो है इंडस्ट्री में तो ऑटोमेशन सिस्टम में तो जनरली यूज की करते ही हैं। और हमारा जो क्या बोलते हैं इन्वर्टर है या यूपीएस है वो भी एक ऑटो सिस्टम है। जब आप इसको ऑटो में रख के रखते हैं कि पावर चले गई ऑटोमेटिक आपकी पावर घर की ना जाए, बैटरी से बैकअप आ जाए, पावर आ जाए तो बैटरी कट ऑफ हो जाए, वापस एसी से बैटरी चार्ज होती रहे, चार्ज इसके बाद हमारे घर में सप्लाई आती रहे, तो ये भी ऑटो में काम कर रही है। तो जहाँ पे ऑटो का शब्द आ जाए, ऑटो में से शब्द आ जाए, वहाँ पे आपको रिले जनरली यूज करना ही पड़ता है। तो इसका फंक्शन रहता है। कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें रिले में जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई हमको एनओ एनसी से मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 6 वोल्ट डीसी सप्लाई से रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, और यहाँ से आप एनओ एनसी से कॉमन पे एसी देके एनओ एनसी से आप एसी सप्लाई भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप रिले है, यानी कि आप रिले दोनों प्रकार की तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप एसी से भी यूज़ कर सकते हैं और डीसी सप्लाई भी ले सकते हैं। लेकिन रिले में जो उसमें दिया है इनपुट कितना है वही देना पड़ेगा। आपकी इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आपको देखें यहाँ पर जो डायग्राम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसमें आपका जो रिले है वो डीसी से ऑपरेट हो रही है, इसकी कॉइल उसमें लिखा है 6 वोल्ट डीसी की, और आपका आउटपुट कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखें आप दोनों तरीके का आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक रिले के बारे में बेसिक्स आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा क्या है और किस तरीके से यह ऑपरेट होती है। सिंपल इसमें कुछ नहीं रहता है, एक प्रकार का रिले। हाँ, ये क्या है, स्प्रिंग है, हमने बताया डायग्राम, ये इसको नहीं बता पाए स्प्रिंग क्यों लगाया है भैया, यहाँ पे डायग्राम शो करने के लिए बताया है कि ये जो कॉइल है एनर्जाइज होती है, तो ये कॉमन टर्म जो आप कॉन्टैक्ट उसको अपनी तरफ खींच लेती है मेरी तरफ से, तो ये आपका एनओ जो है एनसी बन जाता है। और जब यहाँ से सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट करते हैं तो वापस स्प्रिंग के कारण ये वापस अपना एनसी पोजीशन पर पहुंच जाता है, इस कारण ये स्प्रिंग लगाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू था रिले के बारे में कि रिले कैसे काम करती है, क्या होती है और कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। सिंपल तरीका था, ये आपको समझ में आया होगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक हेल्प मिली होगी रिले के से रिलेटेड आपको। यदि बताई गई वीडियो में आपको कुछ भी हेल्प मिले, थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस बेसिक रिले की वीडियो को। और आप चाहते हैं इसी प्रकार की और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलता रहे, तो आप हमारे अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करेंगे आपका उसका नोटिफिकेशन आपको एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।